फेंक देगा घर से हाँ। उसकी इज्जत इज्जत है कुछ नहीं, उसने अब तक काम करवाया नहीं करवाया। एक हो रहा है काली शर्ट, ये कान पे इतने मार रहा है। तेरी काली शर्ट गायब है, तेरे पे है कोई काली शर्ट? चेक कर ले भाई, तेरी अलमारी खत्म होता। जिसकी शक्ल जिसकी एड सबसे खराब है उन दिनों में, वो अगले 5 दिन इस ब्लॉग चैनल में आनेगा नहीं। सब दिखा दिया लक्ष्य ने कि मेरा कमरा देख, ये मेरा वो कमरा देख, और भी अच्छा है स्टूडियो देख। तो ये वो शेर है ना उसका, आयुष्मान खुराना गया था दोस्त के पास मिलने कि बचपन के किस्से दोहराएंगे, वो अपने कामयाबी के किस्से सुनाने लगा। किससे सब्जी नहीं, इससे तो इंसान भी कट जाएगा यार। ऐसे ना मारा करते चाकू, क्यों लड़ाई हो जाए? नहीं इसका वो, अच्छा मुझे लगा कोई कहावत है, धार वो हो जाए इसकी। मुझे मम्मी ने बता रखा था कि किंची नहीं चलाया करते, लड़ाई हो जाए। नई वीडियो कब आ रही तेरी? कल एडिट परसों, इसमें स्किटी स्किट पर दी, ज्यादा कुछ आई नहीं। अच्छा फिल्म मेकिंग की तरह स्क्रिप्ट बना रखी। चैनल पैड तो चलते नहीं तेरे? मेहनत तो है ना, लेकिन डेडिकेटेड हूँ। देख बाहर चल। एक बात बता, तुम लोग मुझे कहते रहो कि वीडियो में आ जा, व्लॉग में आ जा, वीडियो एडिट कर दे। मैं तुम्हें ऐसा कहूँ कभी मेरे केसेस कर दो सोल्व कंपनी के? डीप क्वेश्चन है, सोचिए इस बारे में कभी। यार मैं भी तुम्हारे से अपना काम करवा सकूँ, थोड़ा बहुत काम सीख लो, तीनों भाई मिलकर किया करेंगे यूकेजी में। जितनी तेरी वायरल रील्स है ना, वो देख ले एक बार किसके हाथ से एडिट हुई, उसमें शक्ल किसकी है। अरे बता तुमने मेरी कौन सी करी, आजा अब करवा दे वो मदद जो तुमने आज तक नहीं करी। बे तुम सारे यार, तुम तो छोड़ते ही नहीं फ्रिज में, कोई नहीं खा ले। फिर एक सीन है, जल्दी भी एक बार में खा ले सारा। अरे हाँ इतनी बढ़िया, मैं बता रहा ऐसे हाफ हाफ कर। सुन एक काम कर, मैं बता रहा केक की क्रीम ले, रचित के गाल पे लगा के खा ले। दुगना मजा आ रहा है खाने के, सारे मजे खराब करने लग रहा है, इतना बढ़िया टेस्ट आ रहा। बढ़िया सॉफ्ट गाल है मेरे। सोच तो एक बार, सोच तो। फेस वॉश भी वो करा मैंने स्ट्रॉबेरी वाला, उसका होगा टेस्ट। तो अभी हम रचित की वीडियो का एक सीन शूट कर रहे हैं, बहुत ही क्रिंज सीन है यार, वो तो ठीक है कि तू वीडियो बीच में ही रोक देगा बनाते हुए। तो ये व्लॉग्स वैसे क्यों होते जा रहे हैं कि किसी मेन यूट्यूब चैनल की बिहाइंड द सीन चल रहे हैं? दो कैमरा का प्रेशर आ गया फिर देखो, जब भी ढूंढवाओ भैया। देख मैं आया था, मैंने बेड पे एयरपोर्ट और चाबी रखी थी, तो बेड पे नहीं है, टेबल पे नहीं है, डाइनिंग टेबल पे नहीं है, और एयरपोर्ट इधर अकेले रखे और ड्रॉवर्स में भी नहीं है। मेरी शक्तियाँ बताएंगी चाबी कहाँ है। बहुत बढ़िया एक्टिंग थी भाई, तगड़ी एक्टिंग करे यार, वाह क्या एक्टिंग है। अभी वैसे हमें मिल गई थी ऑफ कैमरा जस्ट आधे घंटे ढूंढने के बाद, पूरे घर में ढूंढ दी, लेकिन सोफे पे चाबी का क्या मतलब है? यू मैंने नहीं रखी, किसी और ने रखी है। जल्दी कर कच्ची में, अभी जल्दी इधर आ जा, अब तो पहन लिया। मेरी कच्ची देख लेंगे, मुझे अंडरवियर में देख लेंगे तो क्या हो जाएगा बता। अनसब्सक्राइब अकेले अपने नंगा लग रहा ऐसे बना दूं। हेलो गाइस, जिसकी शक्ल जिसकी एड सबसे खराब है उन दिनों में, वो अगले 5 दिन इस ब्लॉग चैनल में आनेगा नहीं। चाहे सर लगा मतलब ऐसा शार्प है कि अगले 5 दिन गायब हो जाएगा वो चैनल में से खुद ही। ये ऊपर क्यों कर रखे घुटने? ठीक है ना, घुटने में जाके लगा घुटने। फ्रेंड्स का पार्ट 2 लॉन्च कर देंगे हम। इंट्रो बनाओगे उनकी तरह का आईडिया? इंट्रो में एक वो है नहीं क्या, वो अफ्रीकन से नाचते हैं, मैं तू और लक्ष्मी को मैं नाचते हैं। वेलकम टू सक्सेस चौधरी ब्लॉग। दोनों बोल लेंगे ना पहले ही, 1 2 1 2 दो बार करेंगे। वेलकम टू सक्सेस चौधरी ब्लॉग जी। तो एनुअल फंक्शन वाली फील दे रहे पूरी। अबे डिस्कशन में वो तो है इंट्रो में, साइड में से गया नहीं भागा। ये सैनिटाइजर एक्सपायर हो चुका है, 2020 की फर्स्ट वेव का है। जिसे लग रहा है उसमें किसे एलगार्ड पे लगाने का काम आ जाएगा। क्या 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 कह रहा हूँ तुम्हारे कमरे वाले, तो ट्राईपोर्ड को भी वो चाहिए। अरे भाई ट्राईपोर्ड टूटा हुआ नहीं है, पोलियो हो गया था भाई, किसी के डिफेक्ट आ गया तो उसे फेंक देगा घर से। उसकी इज्जत इज्जत है कुछ नहीं, उसने अब तक काम करवाया नहीं करवाया, तो चाहे वो ट्राईपोर्ड चाहिए इंसान। अभी ये लक्ष्य कह रहा कि हमारे रूम की वाइफ मर चुकी है, पर एक्चुअल पता क्या मर चुकी, इस चैनल की रीच। वो अरे वो
काली शर्ट इसकी अलमारी में मिल गई ना यार, मेरी अलमारी में पता नहीं क्या है। क्यों है तेरी अलमारी में क्या? और अभी तो एक बैग भरा रखा है, ये तो मेरी है ज्यादा की, शो ऑफ कर रहा हूं मैं। कब लाया था? शादी में। तो घर पे बता पे हुई नहीं तेरी। एक और है काली शर्ट, ये रही। कौन सी है? मेरी कान पे इतने मारूंगा मैं चोर। मेरी काली शर्ट गायब है। तेरे पे है कोई काली शर्ट? है, चेक कर ले भाई। अलमारी में मेरी है लेकिन नहीं यार, उस पे ना एक उसका लोगो बना हुआ। मेरी तो गोयल गोयल स्टोर की है, दर्जी से ही सिमाई थी यार। कहाँ गई मैं हूँ सोच में, वो शर्ट गई कहाँ? मैं बता रहा, इस रूम की वाइफ इसलिए मरी क्योंकि यहाँ से पीसी गया। तो यहाँ पे एक स्क्रीन लग जा और एक गेमिंग चेयर और आ जा, PS5 आ जा यहाँ, और वो आ जा वो स्टीयरिंग व्हील। हाँ बताओ कब लगवा रहे हैं? ऐसा करो आज बग्गे को वही गिफ्ट करो क्या, आज खेल के चला जाएगा घर। फिटनेस का गियर अब मैं लेके चल रहा साथ में, ये तो है ग्रिप बनाने के लिए, और इसे रखा दूंगा जेब में स्किपिंग रोप को। फिटनेस तो तेरी कर दूंगा मैं। मेरी स्क्रिप्ट ला दे। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि लाइफ में हमें कुछ करने के लिए ना पहले अपने रूट्स पे जाना पड़ेगा, हमें योगा से छोड़ना पड़ेगा। पता है योगा हम लोग करेंगे और ये रेड बुल जैसी चीज़ें तो मैं बॉयकॉट के लिए रखी हुई है मैंने कि इसको बॉयकॉट करना है। तो भाई पंखा बंद हो गया क्या? ये हवा चाहे तेरे चारों तरफ का वातावरण कैसे हवा और मुझे वो बात कर रहे थे हम वो लेडीज एंड किचन वाली। हाँ भाई मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ, मैंने ये बात मैं बाद में आया था, तुम मुझे बता रहे थे कि ये बात की तुमने, वो कॉन्वर्सेशन का मैं पार्ट में रह पाया था। कौन सी बात आई कि वो आई अपने आपसे बातें कर रहा था वो। मैं ये कह रहा था कि और तो किचन में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बनी नहीं है वो किचन के लिए। मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो एक आदमी है ना वो मिट्टी का पुतला है, जो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। औरत को नहीं, औरत मिट्टी की पुतली है, उसको एक मिट्टी मिल जाना है। तो आदमी और औरत में मैं फर्क नहीं मानता। नहीं फर्क तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। किस बात का फर्क हो? किस बात का फर्क? कोई बात फर्क है फर्क है ही, क्योंकि आप ये भी तो देखिए कि जब इंसान जो है वो मादर पर इंसान इंसान है, इंसान उसका कोई जेंडर नहीं है, वो मिट्टी का पुतला। हाँ हाँ और वो भी बात कर रहे थे हम फीलिंग्स और रिलेशनशिप के कि एक पे ही टिकना चाहिए भले ही वो टॉक्सिक हो जाए। देखिए ये तो खैर बड़ी बड़ी बात है, मैं तो लक्ष्य भाई के इतना छोटा आदमी हूँ भाई। सही 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 है। मैं बता रहा था कि पिछले 7 साल से चल रहा मतलब रिलेशनशिप ना छुपा के रख रहे बस अभी। मैंने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी, कभी गाजा नहीं फूका। मैं तो बहुत बात लड़की की होगी आपकी एक गर्लफ्रेंड है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, छुपा रहा गर्ल्स शेम होनी हूँ मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सैयम का इंस्टाग्राम हैंडल हम बिल्कुल नहीं डाल लेंगे, शर्मा जी का बड़ा बेटा। पर नहीं ये तो बात है ना कि आप किस चीज में बिलीव करते हो कि मगर हुकअप कल्चर में। हाँ देखो मैं हुकअप कल्चर के बिल्कुल सपोर्ट में हूँ। जो चीज मुझे बुरी लगती है ना मैं उसके सपोर्ट करता हूँ, जैसे मेरे को ये तो प्यार बांटने का एक तरीका है ना। अरे यार आप तकनीक से आप ज्यादा प्यार बांट सकते हो। देखिए हुकअप कल्चर जो है मैं बताऊँ, इस देश में मैं ही लेके आया था। मैं ही लेके आया था। कहाँ से? मैं एक दिन वहां गया था, कहाँ? हीरागढ़ी गया था। तो वहाँ पे पुल के नीचे, पुल के नीचे रुमाल मैंने पता नहीं गलती से बांधा हुआ हाथ में, तो वो मुझे काफी लगा कि ये देश में जो और होना चाहिए। हाँ, ये रुमाल देखते लोगों को प्यार क्यों आ रहा है? मेरा हालचाल क्यों पूछ रहे हैं? मेरे को तो शक्ति आ जाती है। हाँ है यार कि हुकअप से थोड़ा ज्यादा प्यार बांट पावे कम टाइम के अंदर, लेकिन ये तो टैलेंट होता है यार। देखो मुझे मैं तो कल्चर मेरे लिए तो है ही नहीं, क्योंकि मुझे तो कभी ऐसा हुकअप शेम ऑन यू गर्ल्स। मैं तो प्यार में मानता हूँ, शायरी में मानता हूँ प्यार मोहब्बत। एक शायरी हो जाए प्यार में गोल्ड नहीं होना। ना वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ जब तक बातें बोल रहे थे। नहीं नहीं हुआ, नहीं हो गया गौमूत्र वाला। अरे यार शायरी शायरी सुना दो, एक प्यार वाली, एक प्यार वाली शायरी हो जाए इसी बात पे। शायरी तो सुना देंगे, इससे पतला मुंह तय क्या, हम शायरी नहीं सुनाएंगे। शायरी सुना दो, जानते नहीं है भाई, हम शायरी सुना देंगे। शायरी सुना दो फिर। तो भाई शायरी है कि आज भी जैसे कांधे पर रख देती हो हाथ मेरे कांधे। अरे माँ की वाह बोलना होता कांधे, वाह बोले इरशाद, वाह इरशाद। आज भी जैसे कांधे पर तुम रख देती हो हाथ मेरे, चलते चलते रुक जाता हूँ साड़ी की दुकानों। क्या बात कह दी, क्या बात कह दी, हुकअप कल्चर है। हुकअप कल्चर की बात, आज भी जैसे रख देती हो हाथ मेरे साड़ी की दुकान का बाग के बाग मार रखता हूँ, साड़ी बनाता हूँ उसको फिर उतारूंगा। ये भी काट दिया, शायरी के रूप में लेटरी नहीं थी क्या? नहीं एक काट दिया।
मेरे को चार लोग जानते उन चारों को ब्लॉक कर देंगे बाकी कोई नहीं जानता आराम से पब्लिक देख के ये आराम से हम आए थे इधर कहाँ है हम आए थे लक्ष्य भाई के वहाँ पे और बड़ी देश के मुद्दों पे चर्चाएं हुई इधर उधर ने बताया मुझे बातों पे हुई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जिससे हम हमारी मिल नहीं रही थी फिर हमने दो दो पैक मारे फिर मिल गए दो दो पैक रेड बुल के सॉरी बाकी हम यहाँ पे आए हैं अभी राजमा चावल खाने घर की तलाश में तो आप घर का अगर पता हो हाँ मतलब अभी घर नहीं मिल रहा नोएडा में संयम भाई को तो कोई अगर अपने घर में रखना चाहे कोई रखना चाहेगी चाहेगी ओ जेंडर बदल दिया गुड मैं तो वही बता रहा जो आप चूज करोगे एक फिल्टर लगा दिया मैंने पहले लौंडे परेशानी ना हो तो आपकी बात सही है हाँ। ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है ना तो तुम नशे में हो सोच गंदी है और इस सोच नशीली है सो दैट वाज फॉर द डे यू आर द लवली ऑडियंस यू आर द लवली ऑडियंस दैट्स माय टास्क स्टैंड अप भी तो प्लान कर रहे हैं भाई स्टैंड अप का सोचा है पूरी रात खड़े रहेंगे रुमाल बांध के पीला घड़ी में 190 स्टैंड अप मैं सपोर्ट करता हूँ सिर्फ प्यार और मोहब्बत को जो देखो प्यार मोहब्बत ही तो है जो सबको साथ लेकर रखती है जोड़ता है हाँ जोड़ता जुड़ाव हो जुड़ाव क्या है प्यार ही तो है जैसे नूरू मसाज पहला रोज मैं किचन में कभी भी चप्पल लेके नहीं जाता अपनी बन जाएगी अरे भाई फूकूंगा अभी तो उसको रुको रुको मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा है तो देखो भाई चार से कप अगर चार कप हुई तो एक बात तो बताओ चार कप पानी में 8 कप बन जाएगी भाई मैं 2 कप पीता हूँ ना अच्छा बना नहीं आया तुम्हारे से सही में भाई यार चाय बनाने में क्या है यार पानी उबालो और उसको फेंक दो और चाय बाहर छोड़ जाएगा काम करो बाहर बैठे अब मैं बता रहा 4 कप दूध की रेसिपी क्या है 2 कप दूध डालो दूध डालिए दूध है कॉफी पीनी क्या एक बार नहीं चाय के लिए रोका और उसका चाय का मतलब कॉफी इसमें डलेगी मुझे मत बताओ अब देखते रहो बस एक पूरी डाल लो भाई मुझे मत बताओ मैं बोल रहा हूँ ये हो गई राजेश के नाम की अरे मैंने थोड़ी बोली थी मेरे भाई ये हो गई नाम का पूरा चम्मच डाल दिया हर्ष के नाम की थोड़ी थोड़ी सी तुम दोनों अदरक फ्रिज में है ये रखेंगे टंगड़ी सी है भाई चीनी और भी डाल दो यार मेरे अंदर नए से डालिए अरे यार 25 तो दाने हो जाएंगे गड़बड़ हो गई अब जैसे कर लिया ना मेरे को इसको क्या खाओ इसको यहाँ से नीचे फेंको इसकी लाश उठा के फेंका दो गैस कम करो कैलकुलेशन खराब होती है मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिन जाना आया हूँ ना तो ये गलेगी व्यक्ति निकलेगा बाथरूम से भैया आपकी चाय तो बनाई नहीं हमने अरे तो मैं चाय का बोले थे यार ये कौन था यार बढ़ते जा रहे हैं यार अरे ये सब होगा तो मैं काम नहीं करूंगा घर में ओके अंकल मैम हरा भाई चाय पिला देगा भाई कैलकुलेटर करा दे भाई 2.5 लाख के दाने चले हैं और 200-2500 एक्स्ट्रा डालने के बाद तो इसके हिसाब से मैंने थोड़ा अच्छा 2500 एक्स्ट्रा पिला दो देखो दो एक बार थोड़ा करो ना पूरा ऐसे तरीका देखा आपने नोटिस किया क्या तरीका था नजाकत छोटी छोटी चीजें जो होती है छोटी छोटी बारीकियां होती है बारीकी से जो होता है बड़े काम होते हैं बता देते हैं कि कितनी चाय बनने वाली है ये नजाकत देखिए अभी देखो दूध का मैं अंदाजा बताऊंगा कितना कम है या ज्यादा है शांत शांत देखो हो गए ना शांत लग सा भाई चाय तो रुक जाओ थोड़ा सा मना दो यार कभी पूरी कर रहे हो हर चीज की कभी पूरी कर रहे हो तुम तो यार अच्छी चाय बनवा दोगे ऐसा तो कभी पूरी कर रहे हो चीनी डाल दी थोड़ी सी और अब दूध का तुम्हारी छोटी छोटी आदतें चाय अच्छी बनवा देगी भाई इतना दूध क्यों डाल रहे हो यार ये तो बहुत मीठा बन जाएगा अब इसमें पत्ती उठ जाएगी अब देखना बिल्कुल दूध बन गई अरे कोई दिक्कत नहीं है
भाई तुम्हें दिक्कत ना, मेरी अलग बोल रहा हूँ। राजेश भाई भाई थोड़ी सी अलग से ले लेना भाई। ओके क्यों, इससे किसके पिटाई हो भाई? जो चाय खराब बनाता है ना भाई, भाई सही तो कर दी भाई ने। जब चाय बनती है वो खराब निकलती है तो बनाने गंदगी हो जाए तो कूड़ा भी उठा दो इससे। फटाफट जो काम बोला ना भाई कर रहा हूँ यार, मैं नौकर नहीं हूँ भाई, मैं तो तुम्हें दोस्त यारी में पिला रहा हूँ। कैमरे पे समझो भाई, कैमरे पे मना कर देते हम भी, नौकर नहीं भाई आप। बस 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 भाई, जोक तो आप बहुत मारते हो मेरे भाई, बस आप रील क्यों नहीं बनाते? चलो अच्छी कॉमेडी कर देते हो भाई, आप चाय बनाओ, आप यूट्यूब क्यों नहीं करते हो भाई? और देखो गर्ल्स, मेरे साथ रहोगे ना तो तुम्हें चाय बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो खराब बनाऊंगा। क्योंकि मैं चाय तुमको बना के पिलाऊंगा, पहले चाय पिलाऊंगा फिर तुमको बाहर ले जाके समोसा भी खिलाऊंगा। डोंट टेक मी रॉन्ग भाई, देखो तुमने इतना पानी डाला उतनी चाय बन गई है तो। कितना? अब तुम दो बार नहाके आओ, दो बंदे की चाय और बन गई है। नहीं चार कप ही हो गए एग्जैक्ट। अभी इसको खदक के ना, क्या बोलते ये वाली वीडियो संयम के चैनल पे अपलोड कर देंगे। कॉमेडी हो जाए राजेश भाई, आप इतनी अच्छी बातें करते हो, आप रील बनाए ना यार, आप तो यार रील पे फेमस हो जाओगे। ओके भाई आपकी आदत अच्छी लगी भाई, आप क्लासी लग रहे हो थोड़ा। मेरे हाथ में तो बहुत कुछ अच्छा लगता है। मैं जो पैसा भी नहीं हूँ, मैं वही कह रहा था मैं कि यार एक ही लड़की के साथ रहना चाहिए, वो मिले तो सही एक। वो एक ढूंढने के चक्कर में बहुत देखनी पड़ रही है। नहीं मुझे, मैंने तुम देखा भाई, मैंने तुझे देखा। सुना है गाना भाई ने? अरे कैमरे से बात नहीं करा भाई, आपसे बात कर रहा हूँ। भाई ने इतने बुरे बुरे जोक मारे हैं, इंस्टा डिलीट कर दिया। जोक्स ना हमेशा बुरे ही होने चाहिए, पूछो क्यों? क्यों मुझे क्या पता भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन बुरे होने चाहिए। कॉमेडी कर रहे भाई, भाई का कमेंट बना शर्मा जी कॉमेडी के नाम से, कॉमेडी करता हूं मैं, वीडियो जाऊंगा क्या, कॉमेडी करता हूं मैं। लेट मी ट्राई। जैसा लग रहा है 4-4.5 लाख फॉलोअर तो हो जाएंगे आराम से जाएंगे। ये कॉमेडी हो रही है जी बहुत भयंकर भाई, मैं दो दिन से नहीं हंसा, आज तीसरा दिन है। अरे क्या कॉमेडी के लिए मेरा पूरा परिवार हंस रहा है, देख रहे हैं कितने तेज हैं। चाय इसमें सर्व करने का सबसे डिफिकल्ट टास्क है मेरी नजरों में तो। अब से अब जाके बैठ गए, और चाय तो इतनी पका दी कि जलगी, बिना छन्ने दे दूंगी ना। देख भाई इधर ही दिक्कत होगी, एक कप में चाय कम रहेगी, देख कैसा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा। देख भाई ये तो मिलेगी लक्ष्य को, ये मिलेगी संयम को क्योंकि उसने मुझे रील आइडिया दिया है, और ये राजेश की क्योंकि उसका ह्यूमर अच्छा है, ये मेरी क्योंकि मैं तो खत्म ही हूँ। सब दिखा दिया लक्ष्य ने कि मेरा कमरा देख, ये मेरा वो कमरा देख, और भी अच्छा है स्टूडियो देख। तो ये वो शेर है ना उसका, आयुष्मान खुराना। तो उसका ये गया था दोस्त के पास मिलने कि बचपन के किस्से दोहराएंगे, वो अपनी कामयाबी के किस्से सुनाने लगा।